तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है बलेनो डेल्टा मॉडल। ये 2019 का मॉडल है। इसमें कंपनी ने थोड़े से चेंजेस किए हैं। एक्चुअली इसको फेसलिफ्ट भी बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, डेल्टा मॉडल में ही आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प मिल जाएंगे और इसमें फॉग लैम्प नहीं आएगा। और हम लोग अभी देखेंगे इस गाड़ी के साथ क्या क्या मिला है। इस गाड़ी को मैंने जब लिया था तो मुझे 7,50,000 के आसपास इसकी प्राइस हुई थी, 7,50,000 नियर बाय। तो इसमें मैगव्हील नहीं आते, जो नॉर्मल व्हील है हमारे वही आते। और इसमें ये प्लेट दिया जाता है, व्हील कवर जिसको बोल देते हैं। और इसमें ORMs आते हैं जिसमें इंडिकेटर भी आ जाएगा गाड़ी के साथ में। ये मैंने फिर से लगाया था, जो एक्सेसरीज में आता है, इसको डोर वाइज़र बोलते हैं। आप चाहे तो इसको लगा सकते हैं, बारिश में वो पानी अंदर ना आए इसलिए वो अच्छा होता है। यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं, ये साइड बीडिंग है। एक्चुअली ये कंपनी के साथ में नहीं आता है गाड़ी के साथ में, इसको मैंने एक्सेसरीज में लिया था। तो इसका पीछे का लुक जो हम अभी देख रहे हैं, पीछे में जो क्रोम गार्निशिंग आता है वो डेल्टा मॉडल में एक्चुअली नहीं आता है। तो आप चाहे तो बाद में उसको लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका बैक का लुक कैसा है, क्या है। और एक चीज़ है, ये विंडो में जो आप क्रोम लाइन देख रहे हैं, ये क्रोम लाइन मैंने बाद में लगाया था, एक्सेसरीज में लगाया था इसको, ये कंपनी के साथ में नहीं आया था मुझे। और ये गाड़ी का लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में भी आप देख सकते हैं गाड़ी को। गाड़ी का लुक तो बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है गाड़ी बहुत ही अच्छी है चलाने में। आप सिटी में इसको बहुत ही अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, माइलेज भी अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं गाड़ी के इंटीरियर, यहाँ पे आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा। ये गियर नॉब है, ये स्टीयरिंग व्हील है, और ये आपके मीटर्स है, जो स्पीडोमीटर है, टेकोमीटर है, एसी वेंट्स है। मैंने नियर बाय 632 किलोमीटर इसको चलाया है। अभी आपको मैं इसका माइलेज बताता हूँ कि कितना माइलेज एक्चुअली यहाँ पे दिखा रहा है। तो 11.7 का माइलेज मुझे दिखा रहा है। अगर ये माइलेज तो नॉर्मल है, एक्चुअली मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा माइलेज है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही हेवी ट्रैफिक में चलाया है। तो टॉप गियर में कभी नहीं चलाया, क्योंकि ऐसी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि मैं इसको बहुत ही सिटी में चला रहा हूँ। तो सिटी में क्या होता है, मैं डेली इसको मॉर्निंग ऑफिस लेके जाता हूँ और इवनिंग घर लेके आता हूँ। तो उसी टाइमिंग में बहुत ट्रैफिक रहता है रोड पे, हेवी ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है। तो इसमें मैं इसको चला रहा हूँ, तो इसमें मुझे अगर भी 11-12 का माइलेज आ रहा है तो मेरे लिए तो सही है। मुझे तो अच्छा फील हो रहा है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। ओवरऑल गाड़ी की बात करें, थोड़ी सी गाड़ी मुझे लाइट वेट लगी, क्योंकि अगर आप i20 से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी लाइट वेट है। लेकिन इसका बेनिफिट भी है, आपको गाड़ी का माइलेज अच्छा मिल जाएगा। आप कंसिडर कीजिए आपको कितना सिटी में चलाना है, कितना हाईवे पे चलाना है, उसके अकॉर्डिंगली आप आपकी चॉइस रख सकते हैं। तो मैं तो इस गाड़ी को लेके बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया इसमें। गाड़ी का एक्सेलरेशन अच्छा है, हैंडलिंग बहुत ही अच्छा है, राइड क्वालिटी भी अच्छी है। आप इसको कौन से भी रोड पे जाइए, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मीन्स कुछ पॉइंट है, अगर इसको i20 से कंपेयर करेंगे तो इसका जो सस्पेंशन है i20 जितना अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि थोड़ी सी लाइट वेट है गाड़ी। और बेनिफिट ये है कि i20 से ज़्यादा माइलेज मिलेगा आपको डेफिनेटली। और इसका मेंटेनेंस और सर्विसिंग भी बहुत ही कम है। मैंने अभी इसका फर्स्ट सर्विसिंग किया है, मुझे तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया है बिल पेमेंट, क्योंकि 146 कुछ चार्जेस लगाए थे। मेरे पास अभी बिल अवेलेबल नहीं है, फिर भी 146 मीन्स बहुत ही कुछ भी है ही नहीं। जैसे कि आपको ये फ्री सर्विसिंग है, कंपनी इसके चार्जेस सर्विस सेंटर को प्रोवाइड करती है, तो हमें कुछ देना नहीं पड़ता है।
तो उन्होंने भी मुझे बताया था कि सर आपका यूज़ कम है, क्योंकि मैं ये गाड़ी लेके ही इसके ऊपर ड्राइविंग सीखा हूँ, तो मैं इसको सिर्फ ऑफिस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा मेन इंटेंशन वही था कि ऑफिस के लिए एक गाड़ी ले लूँ, क्योंकि बहुत ट्रैफिक रहता है, हेवी ट्रैफिक में बाइक में बहुत मुश्किल हो रहा था और बारिश में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने ये गाड़ी ले ली। मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे आप डायरेक्टली बलेनो ले रहे, नया ले रहे तो आपको अभी तक चलाना नहीं आता, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास लीजिए, गाड़ी बहुत ही अच्छी है, राइड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और आपको अगर इसके और डिटेल्स में कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपके लिए पूरा डिटेल्स में और एक वीडियो बना के दे दूँगा। तो मुझे कुछ पॉइंट्स शेयर करने थे मैंने आपके साथ किए हैं, अगर कुछ मिस हुआ होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर आपको नया वीडियो बना के दे दूँगा।